जलाशय के प्रोजेक्ट को पूरा होने में 35 साल का वक्त लगता है। गरियाबंद में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां मैनपुर ब्लॉक में किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए सलब जलाशय की योजना बनी थी। काम शुरू भी हुआ मगर कुछ दिन बाद सब ठप हो गया। दरअसल निर्माण का काम जल संसाधन विभाग के जिम्मे है, लेकिन जिस जमीन पर निर्माण होना है उसका कुछ हिस्सा उदंती अभयारण्य और कुछ हिस्सा वन विभाग के अधिपत्य में है। यही वजह है कि विभागों के बीच आपसी सहमति नहीं बनने से काम अटका हुआ है, जबकि इस बाधा को दूर करने के लिए जिम्मेदार बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में राजनीतिक नुड़ा कुश्ती में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा एक दर्जन गांव के किसानों को उठाना पड़ रहा है। फायदा तो होगा सर, अभी तो किसानों को भी फायदा होगा और शासन को तो अभी जितना पैसा लागत हुआ है ये कहीं बन जाएगा तो शासन को भी उसका पैसा वापस हो जाएगा। और लगभग तो आप देख ही रहे हैं पूर्ण रूप से हो ही गया, 80% तक तो हो ही गया है। दिक्कत ये आ रही है सर कि इसका जो फॉरेस्ट का जो एक्ट 1980 के लगा उसमें जो है ये सेंचुरी भी आ गया और सामान्य वाली भी जमीन आ गई, तो उसका जो है डिस्कशन मतलब नहीं हो पाया उसका डिस्क्राइब किए इसकी ये मतलब इसका जो है क्रियान्वयन फॉरेस्ट गवर्नमेंट सेंट्रल वाला करेंगे कि नागपुर वाला करेंगे, इसकी वजह से जो है इसमें डिले हुआ। पूर्व की सरकार ने इसको जरूर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि बहुत जल्दी हमारे सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय प्रभा इस विभाग के मंत्री महोदय का अवगत करा के जल्द से जल्द काम प्रारंभ करवाने के लिए हम लोग तुरंत इस मामले में उनके तक अपने बात पहुंचाएंगे। और सिंचाई विभाग के इंजीनियर हमारे साथ दीपक पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर सुन पा रहे हैं आप? दीपक जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रही है। हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट को पूरा होने में, एक प्रोजेक्ट है जिसको 35 साल का वक्त लग गया है, क्या कहेंगे इस पर, आखिर क्या वजह रही सारी वजह इसके पीछे? ये फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण हुआ है मैडम। और क्या है कि जैसी पैसा है इसका क्लीयरेंस हो जाएगा ना जी, तो ये प्रोजेक्ट तो विद इन 2 मंथ कम्प्लीट हो जाएगा। पर आखिर क्या वजह रही, पीछे क्या वजह रही है जो इतना लंबा समय लग गया है, लगातार लोग वहाँ के परेशान हो रहे हैं? नहीं, वजह कोई नहीं है, वो क्या है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण ही रुका है। और उन लोग भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे अभी हम लोग जो जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा बना के इनको दे दिए हैं। बीच में भी काम शुरू हुआ था पर काम बंद हो गया, सब ठप हो गया, क्या आप फिर से काम शुरू होगा फिर से ठप हो जाएगा? नहीं, जैसे क्लियरेंस मिलेगा ना तो 2-3 महीने में काम कम्प्लीट हो जाएगा मैडम। कब क्लियरेंस मिलेगा कुछ? अब वो लगे हुए हैं, जैसे ही होगा अभी चुनाव का आचार संहिता लग गया अब उसके फाइल को फिर हम लोग जाएंगे, दौड़ धूप करेंगे। रायपुर जाना है तो ज्यादा दूर जाना नहीं है जी, और रायपुर से क्या है नागपुर से हो जाएगा, अपना जो एरिया है ना बहुत कम हो गया है जी, तो 50 हेक्टेयर के अंतर्गत नागपुर से हो जाता है, तो नागपुर जाएंगे तो वहाँ से क्लियरेंस मिल जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ संवाददाता पुरुषोत्तम जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, आपने सुना अभी इंजीनियर हमारे साथ वहाँ से जुड़े थे दीपक पाठक जी, उनका कहना था कि क्लियरेंस नहीं मिला है जिस वजह से काम अटका हुआ है, क्या लगता है क्लियरेंस मिल जाएगा तो क्या तेजी से काम हो जाएगा और 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, ये 37 वर्ष पहले इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली थी, लेकिन इसके जो बनहान के हाइट है, हाइट के बाद जो डुबान का क्षेत्र जो आ रहा था उदंती अभियान के अलावा टाइगर प्रोजेक्ट जो लागू था उन बाधाओं के चलते जो है काम को रोक दिया गया था। मामले की फाइल जो है दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली के बाद जाने के बाद उस वहां से आपत्ति की गई कि जो डुबान का क्षेत्र है उसको कम किया जाए, यानी कि जो बनहान की हाइट है उसको भी कम किया जाए, तो इस चक्कर में वो जो ड्राइंग पास हुआ था जो सिंचित रकबा उन्होंने एक निर्धारित रकबा किया गया था उन रकबे में भी कटौती किया गया, और अंत में जाके 50 हेक्टेयर से ज्यादा की कटौती करने के बाद अब मुश्किल से 400 हेक्टेयर में इसके जो रकबा है उसको चिन्हांकित किया गया है, और तब जाके अब यहाँ पे स्वीकृति मिली है, और नागपुर से इनका ड्राइंग डिजाइन की तैयारी होने के बाद सरकार के पास फाइल अभी आज जाके अटकी हुई है, जिसको अब मंजूरी देना जो है अब राज्य सरकार के पास मंजूरी का अंतिम चरण के दौर पे वहाँ पे लटकी हुई है। अगर ये सरकार अगर चाहेगी तो निश्चित तौर पे जल्दी मंजूरी मिलेगी और काम करने के लिए विभाग तैयार है, तो 2 महीने में पूरा हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम इस जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।